नाभे, कल तू पढ़ने क्यों नहीं आया? अब फोन तेरा बिजी बहुत जा रहा था। हाँ सर, कल इसका फोन दिन भर बिजी गया है। सुनिए सर, आजकल पेल्ले पिलाने की बात होती है। अरे आजकल ओनली पेल्ले पिलाने की बात होती है। जब मेरा रहे फोन बिजी तो समझ जाइए किसी नई माल से बात होती है। अरे ओ बकचोदी के राजा, थोड़ा तमीज में आ जा। अरे हमसे अच्छी से बात किया कर, अरे हमारी इज्जत किया कर बे। हमारे सामने ऐसा बोल देते हो? अब तुमको मालूम है मास्टर कौन होता है? हाँ मालूम है, अच्छी तरह मालूम है। कौन होता है? किताबों का ज्ञानी, पढ़ाई का शहजादा। अरे किताबों का ज्ञानी, पढ़ाई का शहजादा। मास्टर होता है कुत्ता, कमीना, हराम ज्यादा। अरे कम से कम कभी कभी पढ़ाई लिखाई कर लिया कर, वरना मसूंगा तेरे कान के नीचे तो आवाज आएगी तेरे। समझ गया, मोहब्बत के पुजारी, इश्क के बीमारी। चल बता, रावण के पास ऐसी कौन सी कला है जो किसी के पास नहीं है? अरे सर, रावण के पास एक ऐसी कला थी जो किसी के पास नहीं थी। कौन सी बता? अरे सर, रावण एक साथ 10 लड़कियों को किस कर सकता था, चुम्मा ले सकता था। अबे ओ हरामखोर, ज्यादा होशियारी न बेल, लौंडियाबाजी वाली बात न कर। तुझे बड़ा हंसी आ रही है बेटा है? चल दो बता, पूछिए जाए। तू बता एक सवाल, गंगा कहाँ से? इतिहास का सवाल है, हट जाएगी हाथ में। पूछिए ना सर। गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है? सर गंगा, हाँ गंगा, गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है? अरे सर, आपको इतनी छोटी सी बात नहीं मालूम? गंगा हर रोज रात को वर्मा जी के यहाँ से निकलती है और शर्मा जी की यहाँ जाती है। गंगा नदी के बारे में पूछ रहा हूँ हराम खोर कुत्ता कमीना साले। है बड़ा आया, गंगा कोई औरत के बारे में नहीं पूछ रहा, जो बता दिया रात को वर्मा जी की यहाँ से निकलती है, शर्मा जी की यहाँ घुसती है साले। अब तू जैसा इसको है, तू ऐसा बना रहा है अपने इसको है? बहुत हंसता बे। चल तू बता, चल तू बता, भारत की सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? बता सर। भावना। भावना नदी? अरे सर, क्योंकि भावना में सब बह जाते हैं। कल दिनेश का लड़का महेश भावना के साथ भाग गया, आपको नहीं मालूम क्या? सर हमको भी भावना कह रही थी कि तुम हमारे साथ किसी दिन चलना। अबे सुधर जा, बड़ा आया लौंडिया बाजी साले, पढ़ाई लिखाई कर ले,